सामुदायिक भवन केरला नुह में केवल्य एजुकेशन फाउंडेशन और शिक्षा विभाग नुह के समन्वय से निपुण मेला आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत जिला शिक्षा अधिकारी परमजीत चहल ने दीप जलाकर की। कार्यक्रम में तावड़ू के बीओ पुनहाना और नकीना के बीओ इत्यादि पहुंचे। गणमान्य अधिकारी मौजूद थे और इसके बाद पैनल चर्चा में सरपंच महोत्य, धर्मगुरु, एनजीओ अधिकारी और मीडिया कर्मियों ने नरेश शर्मा केवल्य एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा संवाद किया गया, जिसमें प्रत्येक से उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य व नुह के विकास में भूमिका को लेकर विस्तृत बातचीत की गई। सभी ने आपसी सहयोग और समन्वय से कार्य करने और एक दूसरे मजबूती और चुनौतियों को समझकर मिलकर कार्य करने की बात की और इसके लिए प्रत्येक ने स्वयं और समुदाय की भागीदारी का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि पैनल डिस्कशन में स्थानीय एनजीओ, युवा मीडिया के लोग, पीआरआई मेंबर, स्वयं सहायता समूह और धर्मगुरु शामिल हुए। इस दौरान धर्मगुरु रफीक ने कहा कि अपनी बात रखते हुए कहा कि धार्मिक तालीम के साथ दुनिया की भी तालीम दी जानी चाहिए। इससे बच्चों में बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक और मूल्य का विकास होता है, जिसमें बच्चों में भविष्य की रूपरेखा तय होती है। मदरसा मौलवी साहिब सहनाज जी ने कहा कि अनपढ़ता हमारे जीवन में अंधेरा लाती है और शिक्षा लोगों के जीवन में रोशनी लाती है। वहीं आपको बता दें कि FLN कुसुम मलिक ने कहा कि केवल्य एजुकेशनल फाउंडेशन नुह में अपनी बहुत बड़ी टीम लेकर काम कर रही है, जो सराहनीय है। ये जिला स्तरीय निपुण मेला में शिक्षा और समुदाय से संबंधित लोगों को अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित करके उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य किया गया है। आप देख रहे हैं नुह मेवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। देखिए, शिक्षा विभाग ये चाहता है कि हमारा प्रत्येक बच्चा निपुण बने और बच्चे को निपुण बनाने के लिए हमारा सबसे पहले है कि हम अध्यापकों को निपुण बनाए, हम CRC को निपुण बनाए, BRC को निपुण बनाए, तभी बच्चा निपुण बन पड़ेगा। इसी के लिए हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्री परमजीत चहल जी ने एक पहल की कि हम सरकार के द्वारा भी ऐसा कार्यक्रम किया गया था कि हम फिर निपुण के लिए अध्यापकों का एक सम्मान समारोह करें, ताकि अध्यापक प्रोत्साहित हों और वो आगे बढ़कर अपने एफर्ट्स हैं ज्यादा से ज्यादा लगाएं। इसीलिए इसमें हमने प्रत्येक कम्युनिटी के सदस्यों को, धर्म गुरुओं को, यूथ को, PRT को, TGT, PGT, CRC, BOs, जो भी शानदार कार्य कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तब सबको एक साथ मिला के केवल्य फाउंडेशन की मदद से ये कार्यक्रम का आयोजन करवाया है। और इसका उद्देश्य यही है कि हमारा बच्चा, हमारा अध्यापक, हमारा समुदाय का प्रत्येक मेंबर निपुण बने और हमारा जो नुहू है वो निपुण बने। कार्य किया चाहे किसी भी पद पे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इवन अगर क्लास 4 भी है उसने भी अच्छा काम किया है, सोसाइटी से जिस आदमी ने अच्छा काम किया है, पत्रकार साथियों ने जो अच्छा काम किया, हम सभी को इसमें सम्मानित करेंगे ताकि आगे और अधिक उत्साह के साथ वो कार्य करें और हमारे जिले को मुख्य धारा में लेकर आए।